शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। झूठ बोलने में केजरीवाल को महारत हासिल है, लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा कितना भी बड़ा हो एक दिन फूटता जरूर है। केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब केजरीवाल के विधायक ही उनके झूठ को विधानसभा में उजागर कर रहे हैं। देश में घूम घूम कर केजरीवाल दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं का ढोल पीटते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उनके विधायक से ही सुन लीजिए। जबकि किरारी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा जरूरत है। 8 लाख की आबादी हमारी खुद की और आसपास में भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे सारे लोग जाकर के संजय गांधी जाते हैं और संजय गांधी दिल्ली का सबसे खराब अस्पताल केवल इसलिए है क्योंकि वहां पर में उसकी कैपेसिटी से 50 गुना ज्यादा मरीज आते हैं। सुना आपने, आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा खुद बता रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को इलाज के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। अब केजरीवाल के एक और विधायक राजेंद्र पाल गौतम को भी सुन लीजिए। हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो टेस्ट हुआ करते थे वो टेस्ट नहीं हो पा रहे, लोगों मरीजों की संख्या घटती जा रही है। आज वो कैंसर इंस्टीट्यूट लगभग बंद होने के कगार पे है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे है। दिल्ली में मरीजों का हाल तो बेहाल है ही, डॉक्टर भी दिल्ली सरकार से त्रस्त है। और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद केजरीवाल के विधायक ने ही किया। आप खुद सुनिए। पिछले 3-4 सालों में कितने डॉक्टर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से, कितने डॉक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर चले गए। वहाँ डॉक्टर आते हैं लेकिन ना तो उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी है, क्योंकि सारा भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। और वहाँ उनकी नौकरी की कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई सेफगार्डो को सेफ्टी हो, जब चाहे निकाल दो। और ऊपर से उनको महीनों महीनों से तनख्वाह ना मिले और जो इलाज के लिए जो उपकरण चाहिए वो उपकरण नहीं मिल पा रहे। सोचिए, अस्पतालों में टेस्ट हो नहीं रहे, डॉक्टर नौकरी छोड़ रहे हैं, अस्पतालों में उपकरण है नहीं, लेकिन केजरीवाल दावा करते हैं कि लोग अपोलो और मैक्स में नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं। अरे केजरीवाल जी, अगर वाकई में आपने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास का बना दिया होता तो फिर आप और आपके मंत्रियों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने नहीं जाना पड़ता। केजरीवाल खुद तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं, जनता की गाड़ी कमाई से अपना लाखों का बिल भरते हैं। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने इलाज पर 2015 से 2022 के बीच लगभग 76,39,938 रुपए खर्च किए। केजरीवाल जी, आप तो अपना इलाज निजी अस्पतालों में कराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली की जनता को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं? इन तस्वीरों को देखिए और अस्पताल में इलाज के लिए तड़पते लोगों के दर्द को महसूस कीजिए। उनका यहाँ पत्रिका ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, बार-बार GTP के लिए भेज देते, क्यों नहीं हो रहा पत्रिका ऑपरेशन? और डायलिसिस की बात कर लूं, क्योंकि ये जवान ये लोग अभी CMO ऑफिस जाओ तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता, न CMO ऑफिस में लेटर दिया जाता है। डायलिसिस के लिए इतने दूर कहाँ से लेके जाए? डायलिसिस को अगर एक दिन डायलिसिस नहीं मिली तो वो बंदा खत्म हो जाएगा। और हमें डायलिसिस चाहिए चाहिए। राशन फ्री ना दे, बिजली फ्री ना दे, हमें डायलिसिस चाहिए। केजरीवाल जी, दिल्ली के लोगों को जो आपने धोखा दिया है ना, याद रखिए, इसके लिए जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।